जी थाना गुलावटी पुलिस के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि आज प्राप्त की गई है। हमारे यहाँ 8 तारीख को झोला छाप डॉक्टर सादात की हत्या बहुत ही सनसनीखेज तरीके से उनके दुकान में प्रवेश करके की गई थी। उसी में वांछित अपराधियों के संबंध में लगातार विभिन्न तकनीकी माध्यमों से सूचना संकलन इंस्पेक्टर गुलावटी और उनकी टीम के द्वारा किया जा रहा था। उसी क्रम में इस घटना का एक मुख्य साजिशकर्ता सूफिया प्रकाश में आया, जो घटना कराने वाले कासिफ का बहुत ही करीबी मित्र है और दोनों साथ प्रॉपर्टी का काम करते हैं। उसी क्रम में आज अर्ली मॉर्निंग ये दो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। एक सूफियान है जो हमारी 8 मई की घटना का सुपर सप्लायर है, घटना में साजिश में सम्मिलित है। दूसरा कामरान नाम का अपराधी गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों कबीरनगर दिल्ली के रहने वाले हैं और दोनों ही सातिर किस्म के अपराधी हैं, शूटर्स पालते हैं और अंतरप्रांतीय स्तर पर इनका आपराधिक इतिहास है। कामरान के माध्यम से सोनू नाम के तस्कर के द्वारा जो देहरादून का है, ये इनको कुछ असलहे प्राप्त हुए थे जो इनकी गिरफ्तारी के साथ बरामद हुए हैं। इसमें 3 पंप एक्शन फैक्ट्री में गन है जो आपके सामने है, 160 कारतूस 12 बोर के हैं, 20 कारतूस 30 कार्बाइन के हैं और 46 कारतूस 32 बोर के हैं। ये हरिद्वार में इनको डिलीवरी हुई थी। आज सुबह गुलावटी बाईपास पर ये गिरफ्तार किए गए हैं, इनके कब्जे से वेपन्स मिले हैं। अब हम उस फैक्ट्री के माध्यम से जहां ये असलहे बने हैं एक ट्रेस करने का प्रयास करेंगे कि ये कहां किस एजेंसी को गए थे, वहां से किसके नाम थे, क्योंकि ये वो असलहे हैं जो निश्चित तौर पर या तो चोरी किए गए होंगे या लूटे गए होंगे, क्योंकि ये असलहे आम तौर पर बिना लाइसेंस के किसी को प्राप्त नहीं होते। जो हमारा मुख्य अभियुक्त इसमें साजिशकर्ता सूफियान है, उस पर 8 मुकदमे हैं लूट के गैंगस्टर और 307 IPC के, जिसमें 2 थाना सीलमपुर दिल्ली के हैं, 1 करोलबाग का है दिल्ली का, 1 कोतवाली नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट दिल्ली का है और नैनीताल में किच्छा थाने में भी इसके विरुद्ध मुकदमे दर्ज हैं। दूसरा जो अपराधी कामरान है उसके विरुद्ध 1 मुकदमा 307 IPC का थाना रामनगर नैनीताल उत्तराखंड में दर्ज है। तो इस तरह से एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि गुलावटी पुलिस के द्वारा प्राप्त की गई है और इस समय पूरे प्रदेश स्तर पर 15 से 30 मई तक ऑपरेशन पाताल लोक चलाया जा रहा है, जिसमें अवैध असलहों की बरामदगी और ऐसे अपराधियों की गिरफ्तारी का लक्ष्य है। तो आज पहले ही दिन एक अच्छी उपलब्धि हम सबको मिली। इस पूरी टीम को इस उत्कृष्ट कार्य के लिए हमारे स्तर से 25,000 रुपये पुरस्कार राशि प्रदान कराई जा रही है, तथा हम IG साहब से भी अनुरोध करेंगे कि कम से कम 50